पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आज क्या आप करेंगे, क्या दिलीप पांडे जी आप आज क्या प्रोग्राम है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय में आप लोग एक साथ जुट होने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, पुराने ज़माने से चला रहा इतिहास है कि जो भी राजा अपने कुशासन के लिए कुख्यात होता है वो जिससे भी भयभीत होता है, जिससे भी डर लगता है, उसको उठा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल यही कर रही है। कल 8 घंटे की रेड हुई, उस रेड में लेश मात्र भी कहते हैं ना शेड ऑफ पेपर, कोई एविडेंस नहीं मिला। ऐसे हज़ारों रेड हुई हैं और किसी भी रेड में एक रुपए का भी पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को कनेक्ट करते हुए नहीं मिला। तो ये आधारविहीन गिरफ्तारियां इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, अरविंद केजरीवाल जी से है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से है। इसलिए बिना सबूत के, बिना बेस के, बिना आधार के गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। चुनाव प्रचार जब होता है ना तो सारी पार्टियां अपने अपने स्टार कैंपेनर लॉन्च करती हैं। बीजेपी ने भी अब अपना स्टार कैंपेनर जो है लॉन्च कर दिया है और वो स्टार कैंपेनर है ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई के ज़रिए भाजपा आने वाले चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। उनके पास न सुशासन का दम है, न जनता का आशीर्वाद है, न काडर है, कुछ नहीं है। अब उन्होंने तय कर लिया है कि उनके स्टार कैंपेनर ईडी और सीबीआई होंगे और गिरफ्तारियों के ज़रिए जो है आगामी चुनाव को। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है, कुछ होने वाला नहीं है इनके तमाम प्रयासों से। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, रुकेगा भी नहीं, अभी और गिरफ्तारियां करेंगे। लेकिन भाजपा के हार का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो अब थमने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, ये सब कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। एक रुपये का सबूत मिला नहीं है, जिससे अब भाजपा भी एक्सपोज हो गई है। हम यहाँ पे उसी दोहरेपन को, बदले की भावना की राजनीति को और भाजपा ही अहंकार को एक्सपोज करने के लिए इकट्ठा हैं। हम संजय सिंह जी की रिहाई की मांग करेंगे और हम दिल्ली वालों को और देश वालों को बताएंगे कि कैसे ईडी, सीबीआई और भाजपा ही भाई भाई हैं। दिलीप जी, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब अगला नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। इस बयान को क्या कहते हैं? बहुत पहले से कह रहे हैं, कुछ दिन से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां होंगी वो कोई एक गिरफ्तारी पे सिलसिला रुकेगा ऐसा नहीं है। ये इनका गुस्सा कहाँ ख़त्म हो रहा है, इनका भय कहाँ ख़त्म हो रहा है? भाई चुनाव के पहले तो भय ख़त्म होने वाला नहीं है और चुनाव के बाद यही ख़त्म हो जाने हैं। तो उस भय की स्पष्टता है ये सारी गिरफ्तारियां और एक के बाद एक आप देखिएगा ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोगों को फर्जी आरोप में, बेसिर पे के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात हम कह रहे थे, आज बातों बातों में सांसद तिवारी जी ने भी इस बात को कह दिया, जिससे और स्पष्ट हो गया कि सारी रणनीति, कूटनीति भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाई जा रही है और ईडी, सीबीआई जो है भाजपा के अनुषांगिक संगठन बदल चुके हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और संजय सिंह की अब गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो जिस तरह आप लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये गिरफ्तारियां हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है कि ईडी जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और अपने अपने नियम के अनुसार कार्रवाई कर रही है, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? वही है, ईडी की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी के चंगुल के अंदर है। तो आप उस कमरे के अंदर स्वतंत्र हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर स्वतंत्र हैं और उसके बाहर कितने स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट की कल परसों की जो टिप्पणियां आई हैं उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि साफ साफ ईडी को जो है कोर्ट रगड़ रहा है कि आप ऐसे ही अरेस्ट मत करिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई, इन तीनों का वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही है कि पोस्टर भी आ जाता है, मनीष जी की डेट जिस दिन होती है उस दिन रेड भी पड़ जाती है, गिरफ्तार सब कुछ हो जाता है। तो ये सीधा सीधा ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए। अब दिक्कत यह है कि किसी को एक्टिवेट कर लो हार होता है। अंतिम सवाल, आगे की रणनीति आपकी क्या रहे? नहीं, रणनीति क्या, हम तो सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम कट्टर ईमानदार देशभक्त लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की इन बेसिर पर की गिरफ्तारियों से, चाहे सबको गिरफ्तार कर दो, सबको फांसी पर लटका दो, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में वो इन सारी चीज़ों का जोरदार विरोध करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी पर दिलीप पांडे ने यह आरोप लगाया है कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन विजेंद्र के साथ मनीष शुक्ला, NKTV।